इस वक्त हम मौजूद हैं मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर जो कि SEO समिट के लिए बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट सुमेरा खान साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो SEO समिट होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप डिप्लोमेटिक मोड पर काफ़ी नज़र रखती हैं और काफ़ी टाइम से कवर कर रही हैं, बाहर भी कवर कर चुकी हैं, सो व्हाट्स योर टेक, क्या कहना चाहेंगी कि SEO समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है, इस पर पाकिस्तान में कितने मुस्बत असरात पैदा होंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान गालिबन कोई लगभग कमोबेश 30 साल के बाद कोई बड़ा इवेंट करने जा रहा है, और इन दिनों में ख़ासतौर पे जिन दिनों में ये समिट हो रही है या सॉरी मीटिंग हो रही है, इसमें बहुत शकों को शुभात का इज़हार किया जा रहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा हो चुका है, पाकिस्तान में मईशत जबूहाली की तरफ है। इस एक इवेंट के बुनियादों ने उन तमाम तर रूमर्स को गलत साबित किया है। पाकिस्तान ना सिफारती महाज पर अकेला है, पाकिस्तान ना दिफाई महाज पर अकेला है, पाकिस्तान अपने मसाइल में घिरा ज़रूर है। मैं ये नहीं कहती सब ठीक हो रहा है, मगर सब कुछ ठीक होने की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इसमें ये आपके तवसुत से भी सबसे पहला असर ये जाहिर करना है कि इस वक्त यूथ में एक मायूसी फैलाई जा रही है, उस मायूसी के असर को आप प्लीज़ जाहिर करने में मददगार साबित हो। पाकिस्तान सिफारती महाज पर बिल्कुल अकेला नहीं है। इस वक्त 9 मुल्कों के, आप यूँ समझें कि हाईएस्ट लेवल के ऑफिशल्स पाकिस्तान में हैं, जिनमें ज़्यादातर वज़राए आज़म हैं, और चीन के तो इस वक्त 2 वज़ीर आज़म हैं, एक वज़ीर आज़म है और एक नायब वज़ीर आज़म उनके बड़े वफ्द के साथ सफ़र कर रहे हैं, और उनका वफ्द सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस मीटिंग के लिए नहीं आया। अभी आज के दिन में उन्होंने बायलेटरल्स, जब जिस दिन उनकी अराइवल है उस दिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1 मुलाकात, और उसके बाद उन्होंने वफूद की सतह पर मुलाकात करनी है, विच इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। CPEC-2 को फौरी तौर पर तेज़ करने के अज़म का इरादा किया गया है। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि शायद कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, मगर वो पहला चाइना का अपना कोई सबसे बड़ा सोलली एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुंह बोलता शाहकार है, उसके इनॉग्रेशन वर्चुअल उसका इफ्तिताह किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में ग्वादर जैसी जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना हम सब के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है। फिर ML-1 प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर बातचीत होगी। अगर मैं इसके सम्राट पर बात करना चाहूँ तो शायद पूरा दिन बात कर सकती हूँ, मगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला पाकिस्तान ने इवेंट मुनक्किद किया, क्योंकि 2017 में हम रुकन बने हैं, और 2024 में आप उसका हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें आपके हुकूमत को, आपके दिफाई हुकाम को, और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी डेलीगेशन भी आया था, हाई पावर डेलीगेशन, तो ये जितना क्रेडिट है ये आपके दिफाई हुकाम को भी उतना जाता है, क्योंकि पसे पर्दा SIFC हो या दूसरे प्रोजेक्ट्स हो, उसमें उनकी बहुत मेहनत है। हम क्रेडिट नहीं देते, मगर आपको ये क्रेडिट देने के लिए मैं बार बार कहूँगी, आप खुद यंग हैं, आपको यूथ को हकायक बताना होंगे कि मुल्क कैसे चल रहा है इस वक्त। जो भी मस्बत आशारी हैं उसको आप बार बार बताएंगे, क्योंकि लोगों तक सिर्फ मायूसी फैलाई जा रही है और सोशल मीडिया को एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा टूल बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त एक अमली नमूना है इस बात का कि जिसमें आप उन रूमर्स को झुठला सकते। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सुमेरा, आप चूंकि कवर कर रही हैं SEO समिट को भी और सारे मामला देख रही हैं, मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर भी कायम कर दिया गया है, बाकी तैयारियाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी है, क्या कहना चाहेंगे, इंतजामात कहाँ तक पहुँचे हैं, और जो कल के और परसों का दिन है किस तरीके से गुजरेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं कुछ चीज़ें शायद बिफोर हैंड ना बताना चाहूँ, वो हम सबको शायद इसमें एक थोड़ा सा केयरफुलनेस की ज़रूरत होती है, मगर सेटअप आपने देखा है, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, और सिर्फ ये एक रूम नहीं है, इससे आगे एक्सटेंडेड इस पूरी बिल्डिंग को मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। इसमें मुल्की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदगान होंगे, उनके लिए इंटरनेट है, उनके लिए स्टूडियोज़ हैं, डिजिटल स्टूडियोज़ हैं, पॉडकास्ट स्टूडियोज़ हैं, तो विच इज़ आई थिंक अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि शायद किसी भी आलमी सतह पर आप वेस्ट में जाएं ऐसे इवेंट्स पे, तो ये बिजनेस सेंटर्स और मीडिया सेंटर्स कायम किए जाते हैं। बाकी 2 दिनों की जो सूरत हाल है, इवेंट जो है वो जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में है, JCC, और मुझे पूरी उम्मीद है इस्लामाबाद जो है इस वक्त वो बराह रास्त फौज की निगरानी में है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की निगरानी में है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी साथ साथ बताते चले, क्योंकि सादा जहनों को ये कहकर आलूदा करने की कोशिश की जाती है कि निज़ाम फौज को दे दिया गया, मगर उनको ये नहीं बताया जाता कि हुकूमत वक्त उनको आइन के मुताबिक दावत देती है कि इस वक्त सिक्योरिटी क्योंकि हाई उस पे प्रोफाइल लेवल्स के ऊपर है, तो हमें एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। सुमेरा, आखिर में क्या कहना चाहेंगे, इससे पहले भी आप इंटरनेशनल इवेंट्स बाकी मुल्कों में जाकर भी कवर कर चुके हैं, यहाँ पर एक सियासी जमात की जानिब से 15 अक्टूबर को अगेन एक
प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई है एफडी चौक पर, तो इसके कैसे मंत्री असरात पैदा होंगे और फिर ये कैसे होगा? देखिए, मुझे इसमें शायद ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप सब जानते हैं। ऑल दो मेरे से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको डिनाउंस कर लिया है, तो मुंह बोलता सबूत कवर करती हैं, तो मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि कितना गलत वक्त चुना गया है एहतजाज के लिए। और इस वक्त आप किसी से भी पूछें तो चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हामी लोग होंगे, वो यही कहेंगे कि नहीं, ये वक्त गलत है। मेरी जाती राय में एहतजाज आपका भी हक है, मेरा भी हक है, जिंदगी में कभी किसी ना किसी मुकाम पर हम सब किसी ना किसी एहतजाज में शामिल हुए होंगे, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी एंड नेशनल सॉवरेंटी। ये दो चीज़ें जब तक हमें पाकिस्तानी नहीं अजीज होंगी, आप दुनिया में कहीं चले जाएं आपकी इज्जत नहीं होगी। अगर आप खुद अपने मुल्क को सिर्फ एक छोटे से सियासी मफाद की भेंट चढ़ाएंगे तो ये याद रखिए कि दुनिया में फिर आपकी कहीं इज्जत नहीं होगी।